नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। उदयपुर में कांग्रेस ने 3 दिनों तक अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतन मनन किया, लेकिन ठीक उसी दौरान कांग्रेस से 2 बड़े विकेट गिर गए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया तो पंजाब में भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी पार्टी की अलविदा कह दिया। जाखड़ अब बीजेपी के हिस्सा है, लेकिन हार्दिक पटेल कहां जाएंगे इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। इन सबके बीच प्रशांत किशोर में कभी खुद के लिए उम्मीद देख रही कांग्रेस पर उन्होंने टिप्पणी की है, खासतौर से कांग्रेस के चिंतन शिविर से क्या कुछ निकला उस मुद्दे पर अपना नजरे को रखा है। मजबूत पार्टी अध्यक्ष की कमी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या एक मजबूत पार्टी अध्यक्ष की कमी है। पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कई वरिष्ठ नेता लगातार मांग कर रहे हैं, मगर इसे अनसुना कर दिया जाता है। G23 नेताओं ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मगर कांग्रेस हाईकमान ने इसे अनसुना कर रही है। हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी को संवारने के लिए कई सुझाव दिए थे। इसे लेकर एक अहम बैठक भी की थी। इसका एक प्रोजेक्शन भी तैयार किया गया। मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया था कि पार्टी उनसे कुछ खास मुद्दों पर सहमत थी और अमल में लाने की जिम्मेदारी भी दे रही थी, मगर पार्टी की कानूनी व्यवस्था में उन्हें कोई जगह नहीं देना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल ने हाल ही में पार्टी में हाईकमान पर निशाना साधा था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ पेपर पर दी जाती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं 2 साल तक गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, मगर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। हार्दिक पटेल ने कहा कि राहुल गांधी जब भी गुजरात आते तो वे राज्य के एक भी मुद्दे पर बात तक नहीं करते। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं तब कांग्रेस के नेताओं में चर्चा रहती है कि कौन सा चिकन सैंडविच देना है या कौन सी डाइट कोक देनी है, बस इसकी चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जातिवादी राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता। अंदरूनी कलह भी जग जाहिर। भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद से इसके साइड इफेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं। इस शिविर के बाद कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी कलह भी जग जाहिर हो गई है। जिस तरह से सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया है, वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस के कई विधायक असंतुष्ट हैं। सांगोद विधायक भरत सिंह पहले ही सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि चिंतन शिविर में प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर चिंतन की आवश्यकता है। रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली से खफा होकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद शुरू हुआ साइड इफेक्ट। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा था और रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उदयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद साइड इफेक्ट्स भी सामने आ गए हैं। इस शिविर के बाद कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी कलह भी जग जाहिर हो चुकी है। जिस तरह से सबसे पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया, वहीं राजस्थान में कांग्रेस के कई विधायक भी अभी असंतुष्ट हैं। सांगोद विधायक भरत सिंह पहले ही सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि चिंतन शिविर में प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी चिंतन करना चाहिए। रामलाल शर्मा ने और कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने भी नाराज होकर अब इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसी तरह से गुजरात में कांग्रेस के शामिल हुए हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हार्दिक पटेल ने कहा है कि कांग्रेस को देश की चिंता ही नहीं केवल अपने स्वार्थ की चिंता है। अब धीरे धीरे कांग्रेस देश से सिमटती हुई नजर आ रही है। पार्टी के भीतर अंतरकलह भी इतनी बढ़ गई है कि वे आने वाले समय में कांग्रेस की नाव डुबाना तय है। कांग्रेस की डूबती नाव में अब कोई नहीं बैठना चाहता है। हार्दिक का राहुल पर बिना नाम लिए निशाना। 3 साल पहले 12 मार्च 2019 को हार्दिक को राहुल गांधी ने अहमदाबाद में एक रैली में कांग्रेस में शामिल करवाया था, लेकिन अब जब हार्दिक ने अपना इस्तीफा दिया है तो उन्होंने परोक्ष तौर पर राहुल पर हमला बोला है। हार्दिक ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि एक नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। जब भी देश में संकट था और अथवा कांग्रेस के नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो हमारे नेता विदेश में थे। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव
गुजरात के प्रति ऐसा है कि जैसे गुजरात और गुजरातियों में से उन्हें नफरत हो। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर देखेंगे। प्रशांत किशोर में कभी खुद के लिए उम्मीद देख रही थी कांग्रेस? उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिनों तक अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतन मनन किया, लेकिन ठीक उसी दौरान कांग्रेस से 2 बड़े विकेट गिरे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया तो पंजाब में भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जाखड़ अब बीजेपी के हिस्सा है, लेकिन हार्दिक पटेल कहां जाएंगे इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर में कभी खुद के लिए उम्मीद देख रही कांग्रेस पर उन्होंने टिप्पणी की, खासतौर से कांग्रेस के चिंतन शिविर में क्या हुआ और क्या उसमें निकला और उस मुद्दे पर अपने नजरिए को रखा। चिंतन शिविर पर पीके का नजरिया, मुझे बार बार उदयपुर चिंतन शिविर के परिणाम पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया। मेरे विचार से यह यथास्थिति को लंबा खींचने और कांग्रेस के नेतृत्व को कुछ समय देने के अलावा कुछ भी सार्थक हासिल करने में विफल रहा है। कम से कम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आसन्न चुनाव हार तक अब बीजेपी प्रशांत किशोर ने अपने नजरिए को रखा और राजनीति में रुझान रखने वालों को भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहते हैं जानकार? जानकारों का कहना है कि अगर आप हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ के बयानों को देखें तो एक बात साफ है कि इन लोगों ने कमोबेश उसी बात को कहने की कोशिश की है जो हेमंत विश्व शर्मा ने की थी। हार्दिक ने साफ कहा है कि कांग्रेस के नेता सैंडविच चिकन में बिजी रहते हैं, राहुल गांधी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, सोनिया गांधी के कहने पर अध्यक्ष है, असल फैसले तो राहुल गांधी ही करते हैं। इसी तरह सुनील जाखड़ ने भी कहा कि परिवारवाद की वजह से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने सिद्धांतों से भड़क गई है और उसका नतीजा सबके सामने है। अगर ऐसी सूरत में प्रशांत किशोर की टिप्पणी सटीक नजर आती है। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को क्यों हो गए नाराज? बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने बीते दिन बुधवार को नाराज होकर डूंगरपुर विधायक पद का इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया। घोगरा की नाराजगी उन पर की गई FIR को लेकर है। दरअसल घोगरा पर आरोप है कि उन्होंने 17 मई को डूंगरपुर में उपखंड अधिकारी सहित 22 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी को ग्राम पंचायत में बंद कर ताला लगवा दिया। इसके बाद खुद भी पंचायत भवन से बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद SDM समेत कई अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोप के बाद उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजस्थान गुजरात की राजनीति पर पड़ेगा असर। राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि हार्दिक पटेल और गणेश घोगरा ने के नाराज होने और आदिवासी और पाटीदार समाज के वोटों पर असर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि एक ओर जहां राहुल गांधी को बड़ेश्वर धाम में ले जाकर कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज को साधने की कोशिश में जुटी है, वहीं घोगरा की नाराजगी लंबे समय तक रहना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसकी वजह है कि एक ओर जहां यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते घोगरा की पकड़ युवाओं के बीच मजबूत है, वहीं ट्राइबल समाज में आने वाले घोगरा के पूरे TSP बेल्ट में अपना वर्चस्व रखते हैं। बता दें कि राजस्थान का यह TSP बेल्ट गुजरात तक जाता है। बीजेपी उठा सकती है फायदा। जानकारों का कहना है कि बीजेपी पिछले 27 सालों से गुजरात में सत्ता में है, लेकिन आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस को सफलता मिलती रही है। इस समीकरण को कांग्रेस भी भलीभांति जानती है, लिहाजा कांग्रेस का फोकस इन दोनों राज्यों के इस एरिया में दिखाई दे रहा था, लेकिन हार्दिक पटेल और गणेश घोगरा की नाराजगी से यहां कांग्रेस की रणनीति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, जिसका बीजेपी फायदा उठा सकती है। विधायक रामलाल मीना भी आए घोगरा के समर्थन में। इस पूरे मामले में कांग्रेस के ही विधायक रामलाल मीना भी घोगरा के समर्थन में उतर गए। मीणा ने सोशल मीडिया पर कहा कि किसी के इशारे पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करना गलत है। मीणा ने इशारे में विवाद की जगह वजह का जिक्र करते हुए लिखा कि हम गहलोत से स्वाभिमुक्त हो सकते हैं, पर किसी थर्ड पार्टी के गुलाम नहीं। राजनीति में के जानकारों का कहना है कि मीणा के बयान से साफ है कि घोगरा के विवाद की वजह गहलोत के दूसरे नजदीकी के नेता हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद से पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह तेज हो चुकी है। पार्टी में कई असंतुष्ट नेताओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण पंजाब के कत्तावर नेता सुनील जाखड़ का भाजपा में शामिल होना है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़कर अपना अगला सफर भाजपा के साथ शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। इस घटनाक्रम के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी में मंथन की बजाय टकराहट क्यों बढ़ रही है। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी की मजबूती को लेकर कई सुझाव दिए थे, मगर इन हिदायतों का असर पार्टी कार्यकर्ताओं पर नहीं दिखता है। फिलहाल इस सप्ताह में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।